हाउंटिंग ऑल की रोमांचक वीडियोस के लिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इतनी रात गए तुम यहाँ? चंदा ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब, वो चंदा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, वो मर जाएंगे डॉक्टर साहब, प्लीज चलिए। लगता है डिलीवरी जल्दी होने वाली है, तुम एक काम करो, जल्दी से उसे अस्पताल लेकर पहुंचो, मैं वहाँ सब तैयारी कर लेता हूँ। पर इतने रात को डॉक्टर, कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, मैं क्या करूँ, कैसे लाऊं उसे, आप प्लीज घर चलिए। नहीं नहीं, ये क्रिटिकल केस है, घर पे डिलीवरी करना मुमकिन नहीं है, मैं गोविंद से कहता हूँ, वो कोई ना कोई इंतजाम कर लेगा। इतनी रात को कोई गाड़ी नहीं मिली भैया जी, इसके लिए मैं ट्रैक्टर लेके आया। ठीक है, तुम जल्दी ट्रैक्टर लेके अस्पताल पहुँचो, मैं स्कूटर से आगे जाके देखता हूँ तैयारी हुई कि नहीं। ठीक है भैया जी, मैं अभी आता हूँ। रात का घना अंधेरा और चंदा की करहाती दर्द भरी आवाज उस जंगल में गूंज रही थी। चंदा पर एक एक पल भारी पड़ रहा था और तभी ट्रैक्टर का एक पहिया गड्ढे में फंस गया। चंदा का दर्द अब बर्दाश्त से बाहर होने लगा था और गिरीश अस्पताल में बेसब्री से उनकी राह देख रहा था। डॉक्टर साहब, मैं देख कर आता हूँ, पता नहीं कहाँ रह गए। जब गिरीश वहां पहुंचा और उसने जो देखा उसे देखकर उसका सर चकराने लगा। चंदा का तो कहीं अता पता नहीं था और गोविंद ट्रैक्टर के पास तालाब के किनारे बेहोश पाया गया। गिरीश रात भर चंदा को पागलों की तरह ढूंढ रहा था पर वो कहीं नहीं मिली। सुबह कुछ लोगों को तालाब के पास चंदा का मंगलसूत्र मिला। गांव के लोगों ने ये मान लिया कि शायद किसी हादसे में तालाब में गिर के उसकी मौत हो गई होगी, पर गिरीश इस बात को मानने पर राजी नहीं था। दो दिन बाद मन में कुछ ठान कर गिरीश चंदा को ढूंढने के लिए तालाब के पास निकल पड़ा। Thank you.